अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपके साथ डर्मोशाइन फेशियल किट का कंप्लीट ऑनेस्ट एंड डिटेल रिव्यू शेयर करूंगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। डर्मोशाइन फेशियल किट इज़ नॉट अ न्यू प्रोडक्ट, ये मार्केट में बहुत अरसे से अवेलेबल है, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई डोंट लाइक डूइंग फेशियल्स बिकॉज आई बिलीव कि जब आप बहुत ज़्यादा फेशियल करते हैं तो आपकी स्किन लूज हो जाती है और वो ढलकने लगती है। हो सकता है बहुत से लोग मेरे इस ओपिनियन से डिसएग्री करते हो, बट मेरा ये अपना ओपिनियन है। सो नाउ आई गॉट अ चांस टू ट्राई इट एंड आई एम गोइंग टू शेयर माई ऑनेस्ट रिव्यू एंड डिटेल रिव्यू विद यू। अच्छा, इस फेशियल किट के अंदर होते हैं 6 प्रोडक्ट, बट आई ओनली बॉट दीज 4 प्रोडक्ट्स, क्योंकि इसके अंदर एक होता है फेस वॉश। तो आई डोंट थिंक सो कि जब आप अपनी स्किन को क्लींस कर रहे हैं किसी क्लींजर से तो आपको किसी फेस वॉश को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। यानी ये कि आप इतना टाइम क्लींजिंग करने में स्पेंड करते हैं, स्क्रबिंग करने में स्पेंड करते हैं, तो वही टाइम अगर आप फेस वॉश पे स्पेंड करेंगे तो आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी सेंस। सो आई ओनली बॉट इट्स क्लींजर एंड आई थिंक इट्स इनफ टू क्लींस योर फेस। इसके अंदर एक स्क्रब भी होता है जो मैंने नहीं बाय किया, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैंने क्यों नहीं बाय किया। अच्छा, अगर इसमें फेशियल किट की बात करूँ तो सबसे पहले मैं आपको मैंशन करूंगी, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आपको बहुत सारा प्रोडक्ट मिलता है। यानी ये कि बहुत लेस प्राइस में आपको हर ट्यूब के अंदर 200 ग्राम का प्रोडक्ट मिलता है, और मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कोई और फेशियल किट इतने कम प्राइस में और इतनी ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल हो। सो ये इसका बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। एंड नाउ मूविंग टुवर्ड द सेकेंड गुड पॉइंट, इसके अंदर एक डार्ट होता है इसको ओपन करने के लिए, तो जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट ज़ाया नहीं होता, आपका प्रोडक्ट ड्राई आउट नहीं होता और आपका प्रोडक्ट सेफ रहता है। ये भी इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट है एंड आई डोंट थिंक सो कि किसी और प्रोडक्ट के अंदर इस तरह से आपको सेफ्टी डार्ट मिलता है। इसको आप बंद करें और इस तरह से इसको लॉक कर दें तो आपका प्रोडक्ट सेफ रहता है। अच्छा, मैंने ये फेशियल किट सेपरेट saloni.pk से बाय किए, जहाँ पर ये बहुत लेस प्राइस में एज़ कम्पेयर टू द अदर साइट्स अवेलेबल है और ओरिजिनल प्रोडक्ट है, तो मैं इसका लिंक मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। आपको पूरी किट बाय करने की ज़रूरत नहीं है, जो प्रोडक्ट आपको चाहिए आप वो बाय कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट स्टेप से। एज आई टोल्ड यू कि मैंने इसका फेस वॉश बाय नहीं किया, तो इसका फर्स्ट स्टेप होगा इसका क्लींजर, जो कि है ऑरेंज क्लींजर। इसके ऊपर मेंशन है कि ये ब्राइटर और लाइटन करने के लिए कॉम्प्लेक्शन को, जब आप इसका डार्ट हटाते हैं और प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो इसके अंदर से इस तरह से रनी सी कंसिस्टेंसी में आपको क्लींजर मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि नॉर्मली जितने भी मार्केट में फेशियल्स अवेलेबल हैं उनका क्लींजर बहुत ज़्यादा थिक होता है और उसको अप्लाई करने के लिए बार बार आपको वाटर या रोज वाटर स्प्लैश करना पड़ता है, जबकि ईजिली आप इससे मसाज कर सकते हैं, इजीली इससे क्लींस कर सकते हैं, बार बार वाटर नहीं लगाना पड़ता, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और ये बहुत इजीली आपकी स्किन को क्लींस कर देता है। अच्छा, इस क्लींजर की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये आपकी स्किन को बहुत अच्छी तरह से क्लींस कर देता है। यानी ये कि बिल्कुल जिसे क्लीन क्लीन कहते हैं ना, वो वाला क्लीन करता है। आपको वाकई फील होता है कि आपकी स्किन क्लीन हो गई है और आपकी स्किन आपको 2 to 3 शेड्स लाइटर भी फील होती है। मुझे अपनी स्किन में बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस हुआ, स्किन की कॉम्प्लेक्शन में बहुत फ़र्क महसूस हुआ जब मैंने इससे अपनी स्किन को मसाज किया, क्लींस किया। आपको क्या करना है कि आपको ये प्रोडक्ट लेकर एटलीस्ट 5 मिनट के लिए तो ज़रूर मसाज करना है अपनी स्किन के ऊपर, अपनी स्किन को कम से कम 5 मिनट्स देने हैं इसके साथ। आप चाहें तो 8 मिनट्स भी दे सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 5 मिनट आपको ज़रूर मसाज करना है इसके साथ, ताकि आपकी स्किन डीपली क्लींस हो सके। एंड बिलीव मी, जब आप इसके साथ अपनी स्किन को क्लींस करेंगे तो आपको वाकई डिफरेंस फील होगा। एक तो आपके कॉम्प्लेक्शन में डिफरेंस फील होगा और आपको वाकई अपनी स्किन क्लींस लगेगी। तो इट इज़ अ हाईली रिकमेंडेड वन, बहुत अच्छा क्लींजर है। अच्छा, इसका नेक्स्ट स्टेप है स्क्रबिंग, यानी कि एक्सफोलिएटिंग, एंड आई डोंट डू फिजिकल स्क्रबिंग, आई ओनली यूज़ केमिकल एक्सफोलिएंट। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत से ब्लॉगर्स से सुना है कि इसका स्क्रब बहुत हार्श है, उसके अंदर बहुत थिक पार्टिकल्स हैं जो कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेज ला सकते हैं और आपकी स्किन को हार्म कर सकते हैं। सो आई डोंट रिकमेंड कि आप इसका स्क्रब बाय कर लें, अदरवाइज इट्स योर प्रेफरेंस। अच्छा, नेक्स्ट आ जाती है इसकी मसाज क्रीम, जो कि है वाइटनिंग मसाज क्रीम। ये पूरी सीरीज वाइटनिंग फेशियल किट है। सो इसके अंदर है एलमंड और हनी, ये आपकी स्किन को स्मूथ बनाने के लिए है और आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज और हाइड्रेट करने के लिए है। सो जब आप प्रोडक्ट को ओपन करते हैं इसका डार्ट हटा के, इसके अंदर भी रनी सी कंसिस्टेंसी में आपको मसाज क्रीम मिलती है, जो कि थोड़ी सी येलोइश कलर में है। जब आप इसे अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये इस तरह से क्रीमी सी कंसिस्टेंसी है, थिक नहीं है, ये भी रनी है लेकिन क्रीमी और हाइड्रेटिंग है बहुत ज़्यादा।
इसके साथ आपको अपनी स्किन के ऊपर 5 मिनट्स मसाज करना है। आप चाहे तो 8 मिनट्स भी कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको 5 मिनट्स ज़रूर देने हैं। मसाज के स्टेप्स जो कि यूजुअली होते हैं फेशियल के, आप अप्लाई करेंगे और उसके साथ आप अपनी स्किन के ऊपर इसको मसाज करेंगे एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए। अगर मैं अपना रिव्यू शेयर करूँ इस मसाज क्रीम के लिए, तो डेफिनेटली इट इज़ अ गुड वन। बाकी हाइड्रेटिंग है, बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देती है आपकी स्किन को, स्किन के ऊपर थोड़ी सी शाइन भी लेकर आती है, आपकी स्किन को अच्छी तरह से हाइड्रेट कर देती है। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो मीडियम में रनी नहीं है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत ईजिली अप्लाई हो जाती है। इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होने की वजह से आपको फील होता है कि आपकी स्किन के ऊपर जो ब्लड है वो फ्लश कर रहा है, आपकी स्किन जो है वो फ्रेश फील होती है, हाइड्रेटेड फील होती है। तो बेसिकली इट इज़ अ गुड वन। इसका नेक्स्ट स्टेप आ जाता है स्किन पॉलिशर का, जो कि है मिक्स फ्रूट्स। तो इसके ऊपर मेंशन है लेमन, बेरीज हैं इसके ऊपर, स्ट्रॉबेरीज हैं। सो बेसिकली इट्स अ मिक्स फ्रूट्स वन। तो ये मेंशन करता है कि ये आपकी डेड स्किन को रिमूव करता है, और वाइटनिंग तो है ही है फेशियल। जब आप इस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो इसके अंदर से इस तरह से थिक सी क्रीमी सी कंसिस्टेंसी में आपको प्रोडक्ट मिलता है। एक और वजह इसका स्क्रब ना परचेज करने की ये भी है कि ये भी स्क्रबिंग प्रॉपर्टीज़ रखती है। इसके अंदर बहुत टीनी टाइनी से ग्रैन्यूल्स हैं जो कि बिल्कुल भी हार्श नहीं होते आपकी स्किन के ऊपर, लेकिन फील होता है कि आपकी स्किन जो है वो स्क्रब हो रही है। तो इसके ज़रिए भी आप अपनी स्किन को अच्छी तरह से स्क्रब कर सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं कि आप इसका स्क्रब बाय करें। अच्छा, अगर बात करें इसकी एफिशिएंसी की, तो ये मुझे कुछ खास फील नहीं हुआ। हाँ, आपकी स्किन को अच्छी तरह से एक्सफोलिएट कर देता है, डेड स्किन को रिमूव कर देता है, लेकिन जो एक स्किन शाइनर वाली बात होती है, स्किन शाइनर से जो शाइन आती है स्किन के ऊपर, वो मुझे कुछ खास फील नहीं हुई। मीडियम सा है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन नॉर्मल है। अब आ जाते हैं इसके लास्ट स्टेप की तरफ, जो कि इसका वाइटनिंग फेशियल मास्क, और यह है कुकम्बर मास्क। सो बेसिकली जितनी मार्केट में और फेशियल किट्स हैं जिनके साथ कुकम्बर मास्क है, वो पील ऑफ मास्क होते हैं, लेकिन ये वॉश ऑफ मास्क है। अच्छा, इसके ऊपर मेंशन है कि ये विद एडेड नेचुरल कॉम्प्लेक्शन ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट्स है। इसके अंदर है विटामिन सी एंड ई और बोटैनिकल एक्सट्रैक्ट्स हैं, जो कि आपके डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं, इवन स्किन टोन करने में हेल्प करते हैं, और ये हर तरह की स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। जब आप प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो इस तरह से में से लाइट ग्रीन कलर का इस तरह से थिक सी कंसिस्टेंसी में आपको मास्क मिलता है। बेसिकली मुझे फील हुआ कि ये क्ले मास्क की तरह से है। अच्छा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कूलिंग सेंसेशन है मेंथोल की वजह से, जो कि बहुत ऑड नहीं है, और बेसिकली जब आप इसको लगाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। तो एक फेशियल का जो मेन पर्पस होता है कि आपके नर्व्स को रिलैक्स करें, आपकी स्किन को रिलैक्स करें, तो वो ये पर्पस प्रोवाइड करता है। इतना रिलैक्सिंग है इसको लगाने के बाद। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो मे बी आपको थोड़ा सा ऑड लगे, लेकिन अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो बहुत अच्छा फील होता है इसको लगाने के बाद। जो कूलिंग इफेक्ट आता है वो बहुत रिलैक्सिंग होता है। अच्छा, इसके अंदर थोड़ी सी टाइनी से पार्टिकल भी, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन शायद क्ले मास्क की तरह है इस वजह से। अगर पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ये मास्क वाइटनिंग मास्क है। आपकी स्किन टोन 2 to 3 tones लाइटर फील होती है, जिसकी वजह से डार्क स्पॉट्स भी लाइटन फील होते हैं, इवन टोन फील होती है स्किन। लेकिन अगर आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई है तो ये आपके लिए ड्राइंग हो सकता है। अदर स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है, लेकिन शायद ड्राई स्किन के लिए ये सूटेबल नहीं, आपकी स्किन को थोड़ा सा ड्राई कर दे। यानी ये कि मुझे इससे कोई मॉइस्चराइजिंग और हाइड्रेटिंग इफेक्ट फील नहीं हुआ। इनफैक्ट इसे लगाने के बाद स्किन थोड़ी सी मैट हो गई। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, तो ये आपके ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन अगर ड्राई है तो शायद थोड़ा सा आपकी स्किन को ओवर ड्राई करे। अदरवाइज जो है अच्छा मास्क है, बस यह है कि ये आपकी स्किन को हाइड्रेट नहीं करता, बाकी अच्छा मास्क है, रिकमेंडेड वन। अगर इसके फाइनल रिव्यू की बात करें, ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें, तो बेसिकली इट इज़ अ गुड वन। जैसा कि इसके ऊपर मेंशन है ये वाइटनिंग फेशियल किट है, तो वाकई ये वाइटनिंग फेशियल किट है। आपकी स्किन को 2 to 3 tones लाइटर करती है, इवन टोन करती है, डार्क स्पॉट्स को भी लाइट करती है, क्योंकि ये लाइटनिंग है, वाइटनिंग किट है, लेकिन ये थोड़ी सी ड्राइंग है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो शायद आपकी स्किन को थोड़ा सा ड्राइट कर दे। बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग नहीं है, लेकिन अदरवाइज इट इज़ अ गुड वन। आपकी स्किन जो है आपको खुद फील होता है कि डीपली क्लीन हो गई है, क्लीन इफेक्ट फील होता है जब आप मिरर में खुद को देखते हैं, तो वाकई क्लीनिंग है, बहुत अच्छी तरह से क्लींस कर देती है आपकी स्किन को, डीपली क्लींस कर देती है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, जिसकी वजह से फेस के ऊपर शाइन भी फील होती है और स्किन स्मूथ भी होती है। बहुत लेस प्राइस के अंदर आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मिलती है, इसके अलावा कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है इसकी। तो बेसिकली इट इज़ अ गुड वन, गुड डील। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।